नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल यूनिवर्सल एग्रोटेक में। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर, ये गुड़हल का पेड़ है। तो इस गुड़हल के पेड़ पे हमने कम से कम 27 से 28 दिन पहले एयर लेयरिंग किया था। तो एयर लेयरिंग आज काफ़ी तरह से और अच्छी तरह से सक्सेसफुल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो एक कोकोपीट का इस्तेमाल किया था और अच्छी तरह से अच्छे ढंग से इसे टाइट करके बांध दिया था। और यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, ये जो रूटिंग है अच्छी तरह से रूटिंग हो चुकी है। तो हम आज इसको एक पॉट में ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं जो रूट्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से आ चुकी है। 28 से 30 दिन हुए है सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसको नेचुरल तरीके से हमने इसके अंदर नेचुरल तरीके से इसको हमने उगाया है। यहाँ पे किसी का भी किसी भी तरह से NPK या कोई भी जर्मिनेशन के लिए कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, पूरी तरह से नेचुरल है। अगर आप इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं किस तरह से हमने एयर लेयरिंग की थी, तो यूनिवर्सल एग्रोटेक नामक जो चैनल है मेरा, उसके ऊपर मैंने पहले से ही अपलोड करके रखा हुआ है, तो देख सकते हैं। तो हम इसको है ना अब काट के एक पॉट में ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। देखिए तो दोस्तों, हम जो है इस कैंची की मदद से यहाँ से काट रहे, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये जो रूटिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से हुई, रूट हार्मोन का इस्तेमाल नहीं किया है इसके ऊपर। देख सकते हैं आप ये जो रूटिंग है काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो इसको हम आज देखिए आप ये जो प्लॉट पॉट है इसके अंदर ट्रांसफ़र करने वाले हैं, इसके अंदर ट्रांसफ़र करने वाले। देखिए तो हम इसको है ना अच्छी तरह से निकाल के सही ढंग से अलग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसको काट लीजिएगा, काफ़ी धारदार थी कैंची है, इसे निकाल लिया है हमने। तो ये जो प्लास्टिक है वो अच्छी तरह से अंदर फिट हो गया है, तो इसकी वजह से हम इसको कटर के साथ इस प्लास्टिक को रिमूव करेंगे। देख सकते हैं आप तो कटर का, तो दोस्तों हम इस प्लास्टिक को रिमूव कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कटर की मदद से इसे रिमूव कर दीजिए, बड़े ध्यान से सावधानी से करें, क्योंकि ये जो रूट होती है ये काफ़ी नाजुक होती है, ये कटने का संभव होता है। तो अच्छी तरह से इसे निकाल लीजिएगा, देख सकते हैं आप। देखिए इसको इस प्रकार से रिमूव कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए रिमूव करने के बाद जब प्लास्टिक को रिमूव करेंगे हम, तो देखिए यहाँ से, देखिए ये देखिए यहाँ से रूटिंग हुई है। देख सकते किसी भी रूट हार्मोन का या किसी भी फंगीसाइड का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ है, पूरी तरह से नेचुरल किया है और पूरी तरह से नेचुरल रूट से है। देखिए कितने साफ और सुथरे दिख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल के अकाउंट पे पहले एयर लेयरिंग किस तरह से की जानी चाहिए ये दिखाया है मैंने, वहाँ पे जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। तो इसको हम जो है इस पॉट के अंदर ट्रांसफ़र करने वाले हैं, ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। देख सकते हैं आप, तो ये जो देख रहे हैं आप ये मिट्टी है, इसके अंदर थोड़ा सा जाड़ जो बोलते हैं मुरुम वगैरह उसका इसके अंदर मिक्स किया हुआ है, कुछ गोबर की खाद भी मिक्स की हुई है इसके अंदर। तो देख सकते हैं आप इसको अच्छे तरीके से मिलाया हुआ है, ये देखिए काफ़ी अच्छी है। और ये जो मिट्टी है वो पूरी तरह से काली है, तो ह्यूमस के रूप में हमने यहाँ पे गोबर की खाद डाली है, देख सकते हैं। उसी के साथ ये घर के अंदर एक पॉट पड़ा हुआ था, तो इसके अंदर हम इस पेड़ को लगाने वाले हैं। देख सकते हैं आप इस तरह से कुंडी है, देख लीजिए। तो हम
के अंदर ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी को डाल देंगे पूरी तरीके से, इसको भर देंगे। देखिए देखिए, इसको इस तरह से बना लेंगे। फिर बाद में हाथ से इसको इस तरह से दबा देंगे साइड से, जैसे कि इसको अंदर डाल सके सही ढंग से। देखिए इसको अब जो है सीधे तरीके से बिल्कुल बिलाए बिना हिलाए इसको अंदर डाल दीजिएगा। फिर ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, इसको अच्छी तरह से दबाओ। अच्छी तरह से इसको फिट कर दीजिएगा। अब इसके अंदर हम पानी देंगे, पानी थोड़ा सा देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। ऊपर से ये जो मिट्टी है वो पहले से ही गीली है, ये देखिए, तो बारिश की वजह से गीली हो चुकी है वो, तो ढीली तरीके से इसके ज़्यादा पानी नहीं देंगे, इसे थोड़ा सा पानी देंगे बस। अब पानी लाएंगे, तो दोस्तों इसके अंदर पानी डालेंगे हम। देखिए दोस्तों सही ढंग से इस तरह से हमने जो एयर लेयरिंग प्लांट किया हुआ था गुड़हल का, तो अच्छी तरह से हमने इसको कुंडी के अंदर जो पॉट होता है उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया है। अब इसको हम जो है 10 से 11 दिन तक इसे छांव में रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर आना नहीं चाहिए। जब हम इसके छांव में रखेंगे तो 10-12 दिन के अंदर इसके जो अंदर रूट्स है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।